अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वीवो अपना फ़ोन पाकिस्तान के अंदर वीवो X60 Pro वाला बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है, जो कि आपको अप्रैल के स्टार्ट या मार्च के लास्ट वाले दिनों में मिल सकता है। इस फ़ोन की प्राइस क्या होगी अगर आप लेना चाहते हैं, तो बहुत ही फ्लैगशिप किस्म के इधर आपको फीचर दिए गए हैं और वीवो ने ज़्यादा फोकस इधर कैमरा पर किया हुआ है। कैमरा इसमें आपको आउटस्टैंडिंग किस्म का देखने को मिलेगा। ये वाला फ़ोन 7.6 mm थिकनेस पे है, काफ़ी स्लीक फ़ोन है और 179 ग्राम इसका वेट। एमोलेड डिस्प्ले है इसमें फुल HD प्लस वाला 6.56 इंच का, 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ की सपोर्ट इसमें मिलती है। एलुमिनियम का इसमें फ्रेम है, बैक पे आपको ग्लास मिलता है और फ्रंट पे भी ग्रिला ग्लास 6 की सपोर्ट है। एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लेटेस्ट मिलता है, कस्टमाइज फ्रंट टच 11.1 के साथ और स्नैपड्रैगन 870 वाला इसमें चिपसेट है, काफ़ी लेटेस्ट है। अभी पोको F3 वाले फोन में भी यही चिपसेट दिया गया है, जिसकी प्राइस पाकिस्तानी 60,000 के करीब बनती है। इस वाले चिपसेट के जो एंटीटू स्कोर है वो 6,40,000 तक के हैं और जो 5G की सपोर्ट के साथ आता है। इसमें जो वेरिएंट है वो 12GB रैम 256GB की स्टोरेज के साथ है, जिसमें LPDDR4X वाली रैम और UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप मिलती है। बैक पे 3 कैमरे हैं, मेन कैमरा 48 MP का है। ये इधर मेगापिक्सल पे आप मत जाना, स्टेबलाइजेशन और इधर आपको ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी तगड़ी इसमें मिलेगी। तो इधर जो OIS है एडवांस किस्म का आपको मिल जाता है गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ, यानी काफ़ी स्टेबल वीडियोज इससे निकाल सकते हैं आप। 13 MP का एक लेंस है, जिससे 2x तक आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं और 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। 4K वीडियो 60 FPS में रिकॉर्डिंग का मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है। 32 MP की इसमें सेल्फी है, सिंगल स्पीकर है, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.1 वाला है और टैप सी की कनेक्टिविटी मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर है और ऑलमोस्ट सभी सेंसर इसमें मिल जाते हैं, जेरोस्कोप वगैरह। 4200 mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर है, यानी ज़्यादा फोकस इधर इसके कैमरा और डिज़ाइन पे किया गया है। तो कैमरा के लिए अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो काफ़ी परफेक्ट ऑप्शन ये होने वाला है, अगर ये अच्छी प्राइस के साथ इसे लेकर आते हैं। जैसा कि अभी पाकिस्तान में ओप्पो रेनो 5 प्रो वाला फ़ोन आया था, 1 लाख से ऊपर प्राइस चली गई थी जिसकी, तो अगर ये वाला फ़ोन 80,000 या 70,000 के पास रहता है तो अच्छी डील हो सकती है। चाहे 8GB रैम वाला जो ऑप्शन ले आए, लेकिन 12GB रैम 256GB वाले प्राइस जे 1 लाख से ऊपर लेकर जा सकते हैं। अभी कंफर्म प्राइस तो नहीं आई, जैसे पाकिस्तान में लॉन्च होगा आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई कैमरा फोन चाहिए, डिस्प्ले और डिजाइन अच्छा लेना चाहते हैं तो इस फोन का वेट बाई बनता है। तो अगर आपको ये फोन अच्छा लगा है, जो कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।